नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में एक और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ हम एक बार फिर हाजिर हैं आप लोगों की सेवा में। दोस्तों, गर्मियों का मौसम शुरू होते ही चिलचिलाती धूप और गर्म हवाओं ने लोगों पर सितम ढाना शुरू कर दिया है। तापमान के बढ़ने से कई लोगों को सेहत और स्किन से संबंधित समस्याएं भी सताने लगी है। ऐसे में दोस्तों, आपको अपनी डाइट का विशेष ख्याल रखना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि डाइट सेहत को सीधे तौर पर प्रभावित करती है। गर्मियों में सेहतमंद रहने के लिए जितना जरूरी भरपूर मात्रा में पानी पीना होता है, उतना ही जरूरी खाने पीने की चीज़ों का ध्यान रखना भी होता है। मौसम के हिसाब से ही आपको अपनी डाइट पर प्लान बनाना चाहिए। हम आपको दोस्तों आज की इस वीडियो में ऐसी कुछ चीज़ें बताने वाले हैं जिन्हें गर्मियों के सीजन में खाने से बचना चाहिए, नहीं तो इससे शरीर को नुकसान हो सकता है। तो चलिए जानते हैं वो चीज़ें कौन कौन सी हैं। दोस्तों, मसाले खाने का स्वाद बढ़ाते हैं, लेकिन ये लोगों की सेहत को गंभीर रूप से नुकसान भी पहुंचाते हैं। ज़्यादा मसाले वाले खाने से जलन, पेट की समस्या, ये सब बीमारियाँ होने का खतरा बना रहता है। साथ ही शरीर का टेम्परेचर भी बढ़ता है। तो आप अपने खाने में ज़्यादा मसालेदार चीज़ों का सेवन खास करके गर्मियों के टाइम पर बिल्कुल ना खाएं। दोस्तों, गर्मियों में जितना हो सके आपको मांसाहारी चीज़ों के सेवन से बचना चाहिए। जी हाँ, गर्म मौसम में मसालेदार ग्रेवी वाली चीज़ों का सेवन करने से बॉडी टेम्परेचर बढ़ता है, जिससे ज़्यादा पसीना आता है, साथ ही डाइजेस्टिव सिस्टम भी डिस्टर्ब होता है। इसके अलावा दोस्तों, गर्मियों में जंक फूड खाने के बजाय आपको हरी सब्जियों का ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करना चाहिए। हरी सब्जियों के सेवन से शरीर को जरूरी न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, जो कई सारी बीमारियों को दूर रखने में हेल्पफुल होते हैं। इसीलिए हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि जंक फूड से आपको दूरी बनाए रखनी चाहिए और हरी सब्जियों को अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए। दोस्तों, हम में से अधिकतर लोगों के दिन की शुरुआत चाय की प्याली से होती है, लेकिन चाय और कॉफ़ी दोनों ही बॉडी टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, इंक्रीज करते हैं। इनमें मौजूद कैफीन शरीर को डिहाइड्रेट करती है, इसलिए गर्मियों के दिनों में आपको ज़्यादा चाय और कॉफ़ी पीने से बचना चाहिए, ज़्यादा चाय और कॉफ़ी का सेवन नहीं करना चाहिए। दोस्तों, अगली चीज़ है चीज़ सॉस। जी हाँ, यूँ तो ज़्यादातर लोगों को चीज़ सॉस पसंद होती है, लेकिन गर्मियों में चीज़ का कम से कम सेवन करना चाहिए। दोस्तों, दरअसल चीज़ सॉस में कैलोरी बहुत अधिक होती है, वहीं इस मौसम में शरीर को ज़्यादा न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है, इसलिए अपनी डाइट में आपको हेल्दी चीज़ों को शामिल करना चाहिए। इसलिए चीज़ सॉस को आप गर्मियों के टाइम में बिल्कुल भी अपनी डाइट का हिस्सा ना बनाएं, इससे दूरी बनाए रखें, नहीं तो सेहत को नुकसान हो सकते हैं। तो दोस्तों, यही थी वो सारी चीज़ें जो कि खास तौर पर गर्मियों के सीजन में सबसे ज़्यादा इन पर ध्यान देने की ज़रूरत होती है। इनको जितना ज़्यादा आप अवॉइड करेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा, इनसे जितनी ज़्यादा दूरी बनाकर रखेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। तो दोस्तों, यही थी हमारी आज की जानकारी आप सभी लोगों के लिए। उम्मीद करता हूँ वीडियो और जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो और जानकारी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएँ। धन्यवाद दोस्तों।